जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, भगवान ने ऐसे मनुष्यों के लिए अपनी प्राप्ति को सुलभ बताया है। प्यारे भक्तों, भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य नित्य निरंतर अनन्य चित होकर स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। और अर्जुन को स्पष्ट रूप से यह आज्ञा दी है कि तू मुझे सर्वकाल में स्मरण करता हुआ ही युद्ध कर। यह नहीं कि सर्वकाल में युद्ध करता हुआ मुझे स्मरण कर, क्योंकि युद्ध तो सर्वकाल में हो ही नहीं सकता। और स्मरण सर्वकाल में खाते पीते उठते बैठते बात करते हो सकता है। इस प्रकार सब साधनों में स्मरण की प्रधानता तो स्वयं भगवान ने जगह जगह बताई है। यज्ञ दान तप आदि कर्तव्य कर्म भी भगवत स्मरण करते हुए ही होने चाहिए। यदि भगवत स्मरण के कारण इनमें से किसी प्रकार की कमी आ जाए तो इतनी आपत्ति की बात नहीं, किंतु स्मरण में भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा साधन है और इसी में प्रधान रूप से सबको तत्पर हो जाना चाहिए। और जो मनुष्य भगवान को हर पल यानी कि सर्वकाल में याद करता है, उसको याद रखता है, तो ऐसे मनुष्यों के लिए भगवान ने कहा है कि मैं बड़ी ही आसानी से सुलभ हूँ। तो प्यारे भक्तों, इस एक को साध लेने से बाकी तो सब कुछ अपने आप ही सध जाता है। और एक की कमी है तो सभी बातों की कमी है। जैसे कि नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे दस गुण। तो प्यारे भक्तों, राम नाम अंक है अंक, उस राम नाम के बिना जितने भी साधन है वो सब शून्य है। जिस प्रकार शून्य के आगे एक लगा दो तो वो एक यानी कि दहाई है राम का नाम, और अगर इसको दहाई को हटा दो यानी एक यानी राम नाम को हटा दिया तो जीरो बच गया, जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो इसीलिए आप हर पल भगवान को सारे कार्य करते करते याद करें और हर कार्य में सफलता प्राप्त करें और भगवान को आसानी से प्राप्त करें। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी और मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।